अभी जब खड़ा किया मैंने तब था हाँ, जब खाई क्या था अब नहीं। अच्छा क्या नाम है? अच्छा मैं तेरे को ये बता दूं कि तुझे डॉक्टर की बीमारी है कि हमारी? अभी बता। एक बाबा जो हाथ घुमाता है दर्द को दूर कर देता है, और डॉक्टरों को करता है चैलेंज, डॉक्टरों को नहीं पूरे वर्ल्ड को करता है चैलेंज। वो कहता है कि मेरी विद्या दुनिया में सर्वोपरि है। है क्यों नहीं? मेरे भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। क्यों देखी? मैं बहुत परेशान थी। मैं तो अपना प्रचार भी अपने आप करता हूँ, अपना काम भी अपने आप करता हूँ, अपनी सत्ता भी अपने आप दिखाता हूँ। लड़के ने फोन भी किया। फिर यकीन क्यों आया? ठीक होते हुए देखा था। वो तो दूर से देखा था, क्या पता मेरे खरीदे हुए आदमी हो सारे। और नहीं क्या, 1500 रुपए दिए नहीं मैंने अभी तुझे वीडियो बनवाने के नाम? कहाँ है? खो दिए जल्दी है माता। तो यहाँ आके कैसा लगा? तुझे पता था मनु भैया तुझसे बात करेंगे इसके नाम में सामने खड़े कर? दर्द बता कहाँ? नहीं, नहीं। क्या बात कर रही है? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुझे तो सारे दर्द रोग झूठे हैं, तुझे तो डॉक्टर की कोई समस्या ही नहीं है। डॉक्टरों पे जा रही थी, घुटनों का ऑपरेशन बोला था, ऊपर उठा घुटने। कितना वजन है तेरा? बहुत है। मैं तेरे को एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी हिम्मत करके ये चाहे इतनी सी जमीन से ऊपर उछल, दोनों पैरों से उछल के दिखाएगी। दिखा एक साथ। हाँ अरे बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी तो उछल। हाँ ऐसे कंधे पे हाथ लगा के उछल। ओ आ आ अब आ आ आ करी मैंने। घुटनों में दर्द है? जो बेवकूफ बनाते रहे, ठगले लूटने का उपाय बनाते रहे, उन डॉक्टरों को ये नहीं पता था एक दिन कोई तुम्हारी ठगी तुम्हारे महामे से निकाल देगा। उनको पता नहीं था कि ये निगेटिविटी है। अगर यू माने तो माता जी के दोनों घुटने का ऑपरेशन होना था कम से कम 8 लाख रुपए में। बोलो हाँ के ना। कौन से हॉस्पिटल ने ऑपरेशन बोला? सूर्या। सूर्या कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। और बड़ा नामी ग्रामी डॉक्टर होगा, बड़ा नाम होगा उसका हड्डियों में, बहुत नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। मैंने माता जी को हाथ नहीं लगाया, उछाल के दिखाया, हाथ लगाया उछाल के दिखाया, और दोनों घुटनों का दर्द गायब पाया। इसका मतलब माता जी को निगेटिविटी है। मैंने फूंक मारी, कहाँ लगी थी आप? और एक बात, इनको गठिया बाय बताया गया, दोनों रोग झूठे हैं। इसका मतलब जो डॉक्टर है उसकी सारी मशीनें विफल है, उसके सारे टेस्ट विफल है। इसका मतलब वो काटने जा रहा था, वो कातिल बन जाता इनके विषय में। क्यों कातिल बन जाता? क्यों? क्योंकि रोग तो था कुछ और, है ना। और फिर हो जाता मुर्गे को क्या गया? मोर। माता जी दर्द कहाँ है? चल के दिखाइए, फूंक कहाँ लगी? अरे दौड़ ले बुढ़िया, उम्र छोटी हो गई तेरी, आजा 7-8 बार 10 बार खोद लेगी, आनंद करेगी, राज करेगी। ये समझ में आता है? डॉक्टर का कोई रोग नहीं आ गया आज, तुझे कुछ भी होता है सब निगेटिविटी से होता है। तुझे आज तक माता जी कोई रोग हुआ नहीं, होगा भी नहीं। तुझे जब भी रोग होगा, जब तू मुट्ठी भर भर के गोली खा लेगी, तब तुझे नया रोग पनप जाएगा। तब तू मरीज होगी शुगर की, तुझे बीपी फ्री में मिल जाएगा। तब तू मरीज होगी किसी और चीज की, तुझे टेंशन फ्री में मिल जाएगी, डिप्रेशन फ्री में मिल जाएगी। डॉक्टर को बोल तू लिख के नहीं दे सकता, मेरे घुटने बदलने के बाद ठीक हो जाएंगे। मनु भैया बिना दवाई के लिख के दे सकते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब बताओ कौन बड़ा है? मनु भैया इसलिए बड़े क्योंकि मनु भैया ने नब्ज पहचानी, पता किया कि आखिरकार कौन सा तत्व है, उसकी खोज की, उसकी गहराई तक गए, और तब लोगों को स्वस्थ कर पा रहे। आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। किसी डॉक्टर ने आज तक मेरी बात का जवाब दिया? आप हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को बोलना, सूर्या को, कि मनु भैया को बुलाओ, तब आधे मरीज वो फ्री में ठीक कर देंगे तुम्हारे, जिनके तुमने करोड़ों रुपया कमाने हैं। आया समझ में? डॉक्टरों के करोड़ों अरबों कैसे छकते हैं, समझ में आ गया? आ गया ना? तूने यहाँ हवन कराया अपनी मर्जी से, नहीं कराती तो भी हम तेरा इलाज करते। नहीं आया समझ? फिर
बोलिए शनिदेव महाराज की। कोई तत्व है जो डरता है नाम से मनु भैया, उसको पता है साले मार देंगे काट देंगे निकल के बाहर चले। वो निकल के बाहर हुआ, आपके दर्द कम हुए, लेकिन ये मत सोचना माता जी कि वो पूरा चला गया। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि तू कहीं रहती है घर में, तेरे बच्चे तुझे दिखाते हैं कि जब तू बाहर निकल बुढ़िया है, बाल बच्चे कहे मर ये बूढ़ा काम आने के काबिल नहीं। तो तू पहले तो 20 आदमियों को फोन पे बताएगी, फिर अपनी बेटी को बुलाएगी, फिर कोशिश करेगी, फिर दो के सामने रोएगी, भाई मोर तो मोए घर से बाहर निकाल रहे हैं ऐसे है ना, फिर पूरी अप्रोच लगाएगी, पड़ोसी आएंगे, पंचायत भी करेंगे, अरे ओ भाई अरे रख ले यार बुढ़िया ही तो, अरे माँ बाप ने कौन आप, फिर वो यूँ कहेगा बेटा अरे तू रख लेना भाई तेने ज़्यादा जोर पड़ रहा है। फिर बुढ़िया कहीं चली जाएगी, रात को निकलेगी, वो सोचेगी अब तेरा यार जीना मुश्किल, पहले तो कोशिश करेगी ना, हाँ तो चीज पहले कोशिश करेगी रुकने की, फिर चली जाएगी। तेरे जीवन में तुझे डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, तू कितना ही ऑपरेशन करा ले, डॉक्टर तेरे घुटने का ऑपरेशन करने के बाद तेरे घुटनों के दर्द को अगले 1,00,000 वर्षों तक ठीक नहीं कर सकते दुनिया के सारे डॉक्टर, क्योंकि तुझे दर्द किसी और चीज का है, ऊपर उठा पैर ऐसे। और बूढ़ी अम्मा कूदने लगी और मनु भैया के साथ नाचने लगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। मीरा दीवानी है, भगवान के नाम को लेके नाच रही है, इसलिए मीरा को ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव भाई। लाइन गायब होगी, लाइन का पता नहीं। चलो चलो।